गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर से आप सब लोगों का मेरे इस चैनल में। कल जो सुबह था उसमें हमने ब्रेड पकोड़ा बनाया था, फिर शाम को आने के बाद हस्बैंड जी बोल रहे थे मसाला बचा हुआ था, जो आलू का मसाला बनाया था ना उसका, तो आलू चॉप बना देना बोल रहे थे। तो मैं यहाँ आलू चॉप बना दे रही हूँ। बेसन का घोल तैयार कर लिया था, हिसाब से बनाता ऐसे, सुबह ख़त्म हो गया था उस टाइम, तो अभी मैं यहाँ आलू चॉप बना रही हूँ। छोटे छोटे लोइयाँ बना के फिर बेसन में डुबो के आलू का उसको मैं निकाल दे रही हूँ, हल्का ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर ले रही हूँ। ऐसे ये जो आलू चॉप है हमारे झारखंड का फेमस रेसिपी है। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे ऐसे जो बनाया था आलू चॉप वो तो झारखंड के जैसे जो झारखंड में बनाते हैं ऐसे नहीं लग रहा है बोल रहे थे, लेकिन क्या करें, ऐसे जैसे झारखंड का में जो स्वाद मिलता था आलू चॉप का वो तो इधर मिलेगा ही नहीं ना, वो तो उधर ही मिलेगा ना झारखंड में। तो फिर थोड़ा बहुत ऐसे खा लिए थे मैंने जब सुबह बनाया था ब्रेड पकौड़ा, उसमें मैंने मिर्ची वगैरह मिलाया नहीं था, इसमें थोड़ा बहुत हरी मिर्च एकदम बारीक बारीक काट के मिला दिया था। ऐसे अच्छा लग रहा था, इतना भी बुरा नहीं लग रहा था ऐसे, और यहाँ पर दे दिया है हस्बैंड जी के लिए, निकाल दिया है मैंने। और थोड़ा बहुत मसाला किया, जो बैटर था ये रहा बच गया था, तो इसमें मैं डोली परी दोनों के लिए आलू का कर ले रही हूँ। मैंने काट लिया था आलू को, बोल रहे थे आलू के पकौड़े बना देना, ऐसे उन दोनों भी आलू चॉप मांग रहे थे, लेकिन मसाला कम था तो मैंने उन दोनों के लिए पकोड़े बना दिया। आलू के पकोड़े तैयार हो गए हैं, और फिर ऐसे मसाला बटर बच गया था तो फिर मैंने एक प्याज काट लिया था, फिर मैंने उसका भी पकोड़े बना दिया था। एक बनाने के चक्कर में दो तीन आइटम बन गया, आलू का, प्याज का, आलू चॉप, ये सब। और ये मॉर्निंग का व्लॉग है, यहाँ पर मैं गोभी भुजिया बना दे रही हूँ, थोड़ा सा ही बना रही हूँ, ऐसे सब्जी सब बचा हुआ है तो बस जितना ऑफिस ले जाएंगे उतना ही थोड़ा बहुत खा के जाएंगे हस्बैंड जी, उसके लिए थोड़ा सा बना रही हूँ। गोभी को मैंने एक दो मिनट के लिए भून लिया था, फिर मैंने स्वादानुसार नमक और मसाला साथ में एक टमाटर भी ऐड कर दिया है, तैयार हो गया है ऐसे गोभी भुजिया। और डोली परी दोनों के लिए भी मैंने बीन्स की सब्जी बना दी थी, और लंच भी मैंने पैक कर दिया है, डोली परी दोनों भी तैयार हो गए हैं। और हस्बैंड जी बोल रहे थे रोज़ रोज़ रोटी मन नहीं हो रहा सुबह सुबह, तो जवे बना देना बोल रहे थे, बच्चों को छोड़ के आई, फिर मैं यहाँ जवे बना रही हूँ। बीन्स, टमाटर, प्याज ये सब भून लिया था एक दो मिनट, और मटर नहीं था, ख़त्म हो गया था ऐसे। और सोयाबीन को ना मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि टाइट टाइट सा हो जाता है पहले भून लो तो, इसलिए हस्बैंड जी ऐसे बोलते हैं, ऐसे मुझे तो सॉफ्ट लगता है, बाद में मिलाया करो बोलते हैं, तो मैंने बाद में मिलाया है। और स्वादानुसार बस इसमें मैंने नमक डाला है और कोई मसाला नहीं डाला है, और जितना मैंने जवे लिया था उतना पानी डबल डाल दिया था, और ये तैयार हो गया है। और इसमें मैं मैगी मसाला ऐड कर दे रही हूँ लास्ट में, मैगी मसाला मिलाने से टेस्ट इसका और भी अच्छा आता है। और इधर हम परी को स्कूल से ले आए हैं, परी का छुट्टी हो गया था और डोली आज स्कूल नहीं गई थी, ऐसे अभी भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है इसका, और कमजोरी है, इसने दो या एक दो दिन इसने खाना नहीं खाया था, खाना पीना छोड़ दिया था इसने, बस एक दो चम्मच खाया था, खाती थी ऐसे, मन नहीं होता था बोलती थी, अभी भी ऐसे शांत रहती है थोड़ा बहुत। यहाँ पर ये मन हो रहा था इसमें करने का तो इन दोनों इसमें कर रहे थे, और झूला उला भी थोड़ा बहुत झूल रहे थे ऐसे। और कुछ देर धूप हो रही थी यहाँ पर, अच्छा लग रहा था पार्क में, तो यहाँ पर हम कुछ देर बैठे हैं, और कुछ चटपटा सा मन हो रहा है बोल रही थी, तो कुछ लेके आए थे ऐसे, चटपटा नमकीन वगैरह वो सब खा रही थी, और ग्रेप्स मांग रही थी ये ब्लैक वाला, तो ये भी लेके आए थे, और यहाँ बैठे हैं, अच्छा लग रहा है ऐसे इस टाइम। और ये रही परी, अपना इधर खेल रही है अकेले, डोली को बुला रही थी खेलने के लिए, बोल रही है कि डोली मन नहीं हो रहा है अभी, तो ये अकेले खेल रही है ऐसे। पार्क में ऐसे अच्छा तो लगता है, इस टाइम अच्छा लग रहा है, लेकिन बाकी टाइम ना नशेड़ी सब रहते हैं दिन में, सुनसान में अच्छा भी नहीं लगता, इस टाइम तो ऐसे अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पार्क से आने के बाद हस्बैंड जी बोल रहे थे सोयाबीन आलू मन हो रहा है तारी, तो
तो आलू को मैंने बॉईल कर लिया था, और ये रहा सोयाबीन को भी मैं एक दो मिनट भून लूँगी आलू और सोयाबीन को। ऐसे जो है मसाला मैंने पहले ही बना लिया था, टमाटर मसाला वगैरह प्याज वगैरह सब कुछ डाल दिया है, स्वादानुसार नमक। लास्ट में मैं थोड़ा सा एक दो मिनट भून के पानी डाल दूँगी, तरी जितना चाहिए उस हिसाब से, फिर धनिया पत्ता ऐड कर दूँगी। डोली और हस्बैंड जी का तबीयत दोनों का आगे पीछे मतलब तबीयत ख़राब हो गया था, कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था ऐसे इन दोनों का। अभी भी हस्बैंड जी को भी कमजोरी है, ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत काम चला रहे हैं। और यहाँ पर खाना तैयार हो गया था, मैंने लगा दिया है, नमकीन चावल बनाया है साथ में, बहुत ही स्वाद लग रहा था ऐसे। और खाना वाना खाने के बाद हम सब ने शाम को, इन दोनों बोल रहे थे कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है, तो घर में तो ऐसे कुछ था नहीं, तो यहाँ पर केक मंगाए थे। और वीडियो यहीं तक का था फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर कोई भी नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। आप सबको हमारी तरफ से शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हैप्पी शिवरात्रि।